नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर माह के राशिफल के बारे में। माह सितंबर के राशिफल जो सिंह राशि के जातकों के लिए होंगे। देखिए, माह सितंबर कैसा जाने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए, अलग अलग क्षेत्र में हम समझेंगे, साथ ही साथ कहाँ पर सौगातें मिलने वाली है इस बात का भी हम चर्चा करेंगे, और कहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके भी पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि राशिफल जो होते हैं वो सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो कई चीज़ों की जरूरत लगती है, जैसे जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, कुंडली के अच्छे बुरे योग, और भी कई चीज़ों का जब एक साथ मिलाकर के अध्ययन किया जाता है तो एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको यह पता चल जाता है कि इस माह मेरे लिए ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले हैं। ग्रहों के गोचर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कोई कहता है ना आपको शनि 7:30 चल रही है, ये ग्रहों के गोचर ही है, ये कोई दशा अंतरदशा वाली स्थिति नहीं है। तो देखिए, ग्रहों के गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और राशिफल के माध्यम से आपको ग्रहों के गोचरों के आधार पर जानकारी मिल जाती है। तो इस वजह से राशिफल जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो कैसा जाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आपसे कहूं तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना आपको यहां पर करना पड़ सकता है, आपका विरोध हो सकता है। और भाई देखिए, विरोध जब होता है तो अधिकतर मानसिक शांति जो है भंग हो जाती है। अधिकतर विरोध दूसरों तीसरों लोगों के माध्यम से हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनों के ही माध्यम से विरोध हो तब भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति, मानसिक शांति भंग होने वाली स्थिति निर्मित होती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस माह आपके साथ हो सकता है। एक एक करके चर्चा करते हैं। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी में कहीं ना कहीं आपके हिडन एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, डायरेक्ट एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, आपके बॉस इवन आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपके निर्मित हो सकते हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। और यदि हम बिजनेस में बात करें तो कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो इनसे बच के रहने की जरूरत है। हालांकि इनकम की बात करें, पैसों की बात करें, धन आने की बात करें तो धन बकायदा आपके पास आता रहेगा जैसा अभी तक आ रहा था। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी आपके यहाँ पर मजबूत रहेगी, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए विरोध का सामना ऐसा हो सकता है कि आपको लेना है कुछ और सब्जेक्ट, आपको करना है कुछ और जिससे आपका जिंदगी कुछ बने, लेकिन आपको प्रेशराइज ये किया जा रहा है कि आपको यही कार्य करना चाहिए, यही सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो किसी न किसी तरह से इस विषय में आपको ना समझा जाए या विरोध का सामना करना पड़े तो ऐसा मुझे देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन देखिए क्या है कि यदि आपको लगता है कि आप सही ट्रेड में हैं, आप सही दिशा में जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप खुद से पहले तो शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर के 3-4 बार पूछिए, खुद से पूछिए, क्या ये मैं सही कर रहा हूं, क्या ये मैं सही कर रहा हूं। यदि आपका मन कहता है हाँ सही कर रहे हैं, आप राय ले लीजिए, जो भी उस फील्ड में सक्सेस लोग हैं उन लोगों से जाकर के राय ले लीजिए क्या ऐसा करना चाहिए। यदि वो कहते हैं हाँ आपको वो चीज़ करनी चाहिए तो बिल्कुल कीजिए, और एक लंबी योजना बनाइए अपने परिवार को, अपने करीबियों को समझाने की कि आप वो क्यों कर रहे हैं। योजना के माध्यम से समझाइएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, योजना बनाइए पहले अकेले में और फिर जाकर के परिवार को समझाइए, तब जाकर के आपका परिवार समझेगा। तो विरोध जरूरी नहीं है कि आप जब गलत हो तभी हो, विरोध तब भी हो सकता है जब आप सही हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही हैं। इसके बाद में पारिवारिक स्थिति की चर्चा करते हैं। तो पारिवारिक स्थिति जो है वो आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। परिवार में जैसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है इस विषय में जरूर से रहेगा, लेकिन परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप समझाएंगे तो आपको परिवार का साथ भी मिल जाएगा। हालांकि परिवार आपका भला ही चाहता है भाई, आपके माता पिता आपका भला ही चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप उस ट्रेड में जाना चाहते हैं, उस जगह जाना चाहते हैं जिससे आपका नुकसान है। हो सकता है उन्हें उस जगह की जानकारी ना हो, या हो सकता है कि उन्हें उस जगह की जानकारी हो, दोनों ही बातें सच हो सकती हैं। लेकिन जो भी हो आपको यहाँ पर बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, जिससे पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। परिवार में विरोध हो सकता है लेकिन प्रेम या जो करीबी आपके रिश्ते हैं उसमें दरार कभी नहीं आएगी। विरोध जरूर हो सकता है, आपको आपको आपके विरोध में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम जरूर से बना रहेगा। इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रह सकता है, उतार चढ़ाव में रह सकता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। और फाइनली प्रेम प्रसंग की चर्चा करें तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे ज्यादा विरोध तो प्रेम प्रसंग में होता है, उससे ज्यादा विरोध तो कहीं पर भी नहीं होता। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और परिवार भी इस विषय में आपका साथ दे, मुझे ऐसे योग नहीं दिखते।
इवन ये भी हो सकता है कि अपने पार्टनर से ही आपका मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, दूरी हो जाए, अलगाव हो जाए, तो ऐसे योग भी हैं, कहीं ना कहीं अशांति इस विषय में बन सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा की है कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो कैसे जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।